मेरी क्या होगी। उन्होंने क्या किया, एक खरबूजा दिया, खरबूजा लेकर उसको पाट कर कर खिलाने लगे। तो जब वो गुलाम उसको एक एक फांस देते जाते, वो चटकाने लेकर उसे खाता चला गया। जब आखिरी फांस रह गई तो वो राजा कहने लगा, क्या बात है गुलाम, सारा खरबूजा तू ही खा लेगा इतने चटकार लेकर, एक मीठा रह गया एक फांस मैं खाऊंगा। उसने कहा नहीं, आप इसको नहीं खाओगे मैं ही खाऊंगा। कहने नहीं, अब आखिरी फांस मैं खाऊंगा। जब उस राजा ने उसके गुलाम के जो राजा थे जिन्होंने खरीदा था उन्होंने वो फांस ली, जब उसको मुंह लगाया एक टुकड़ा भी उनके अंदर मिल जा सका। वो इतना कड़वा था, कई बार आप देखो खीरा काटो कुछ मीठे होते कोई कड़वे नहीं कर सकता, ऐसे खरबूजा वो कड़वा था। वो उसने कहा अरे अयास, उसका नाम अयास था, कहा अयास तूने ये क्या किया, इतना कड़वा मुझसे एक फांस में से एक टुकड़ा भी नहीं खाया जा रहा। वो स्वाद वो स्वाद। कहने लगा महाराज आज तक जीवन में तुम्हें तुमने मुझे इतने मीठे अपने हाथों से चीजें दी, इतनी स्वादिष्ट दी, हर तरह का सुख मुझे दिया, और आज अगर एक कड़वा खरबूजा खा ले उसको क्या कहूं मैं, ये बस वो तू कर नहीं ये कोई कर सकता है, उस परमात्मा का दिया हुआ दुख कोई सहन कर सकता है। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो गुरु का सेवक होगा मैं उसको सबसे ज्यादा दुख दूंगा। कई बार सवाल किया जाता कि भाई जो प्रभु की भक्ति करते हैं दुख उनके जीवन में होते हैं, और जो दुनिया भर के हैं दुनिया भर के वो दुनिया में सबसे ज्यादा समृद्ध। तो भगवान कहते हैं मेरे सेवक दो तरह के, मुझे पता है मेरे इस बालक ने अगर जिसको मैंने दुख भी दिया ये बड़े प्यार से उसको सहन कर लेगा, और वो जो है दो पत्थर ला कर भी मेरे सिर पे मार देगा। अब देखते हो मां का भी जीवन क्या होता है, तो जो बच्चा तंग करने वाला हो जो बीच हो उसको कहते हैं तुम मकर मिलेगा मेरी जान छोड़, और जिसको पता हो प्यार से नमक की रोटी मेरा ये बच्चा खा लेगा उसको प्यार से जो देगी मां वो कर लेगा। ऐसे ही परमात्मा का विधान है, वो देखता है कि मेरा जो शिष्य मेरे हर सुख दुख को सहन कर लेगा। तभी तो गुरु महाराज के भक्त क्या कहते हैं कि सुख के माथे सिर पड़े जो नाम ही जैसे जाए बलिहारी का दुख के जो पल पल नाम जवाए। है तो सिलसिला जाप का सिमरन का, जो प्रभु का ध्यान किया जाए उसकी जान में हर वक्त रहा जाए। हमें तो वो वक्त चाहिए, हमें उस सुख की क्या होता जो तेरी याद ही हमारे दिल से चली जाए। तो इसलिए परमात्मा ने भी दिए, तो मुझे याद है क्योंकि आज स्वामी जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं। तो उन्होंने जीवन में बड़ा कुछ सिखाया, जो गुरुदेव भगवान से सीखा आगे उन्होंने सबको सिखाया। एक दिन की है तो बात हंसी, एक दिन कानपुर आश्रम में हम लोग भी गए हुए थे, कानपुर आश्रम में वहां भी स्वामी जी ऐसे रोज सवेरे जैसे जो नियम था रामायण की कथा कभी कभी यहाँ भी आते थे, तो यहाँ भी वो रामायण की कथा करते, रात को भी जो भी महाराज जी का साहित्य लिखा हुआ उस पुस्तक का भी पाठ स्वामी जी करते थे, पहले स्वामी जी भी करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ माताओं मैंने अमृत मेला में जो आश्रम में आ रहे थे कार्तिक का महीना चल रहा था, तो तब क्या हुआ हम भी उस वक्त कार्यक्रम में तब आलोक का जन्म दिन मनाया जाना था, तो हम लोग वहां पर कानपुर में गए हुए थे। तो सुबह सुबह महात्मा जी, अब हमें ध्यान वही है कि जो आदत पड़ी हुई है कि हम महात्मा जी कहते थे, महात्मा जी अपना आसन पर बैठे रामायण की कथा शुरू की। कुछ माताएं मैंने कार्तिक के महीने में वो आगे आश्रम में सुबह सुबह आकर बैठी नहा धोकर, और सुबह का वक्त क्या होता सबसे ज्यादा नींद का वही वक्त होता है, परमात्मा जी पहले रामायण की कथा उसके बाद कार्तिक की कथा करनी थी। जब रामायण पढ़ रहे थे कुछ माताएं मैंने वो जोर जोर से ऊने लग गई, और कईयों के उस वक्त जोर जोर से त्राटे भरने लगे। और महात्मा जी ने क्या किया, सामने बैठे हुए थे उन्होंने क्या किया, चुन्नी अपनी दी और मुंह पे डालकर बैठ गए, और वो भी जोर जोर से बनावटी खराटे भरने लगे। और जो माताएं सामने बैठी थी कहने लगी महात्मा जी को क्या हो गया, ध्यान नहीं दिया, कहते महात्मा जी को क्या हो गया, आवाज बंद हो गई है, और जो सो रहे थे उनकी भी नींद खुल गई, जब नींद खुल गई कहते ये क्या, जब देखा तो महात्मा जी ने चुन्नी पूरे मुंह ढका हुआ, कहते मैं कुछ ही सो आई हूं तो मैं नहीं सो सकता, मैं तो जरूरी कथा करनी। मतलब एक सबक था कि जब भी कोई संत महापुरुष कथा वार्ता सत्संग करे उस वक्त नींद नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ गवाने के लिए आए हो या कुछ पाने के लिए आए, तो उनका तरीका एक अपना था, और जब गुस्सा आ जाए तो लाठी भी खा लेते। और एक दिन की मैं आपको बात बताऊं, स्वामी जी भी